उदाहरण 5, समांतर श्रेणी 2, 6, 10 अनंत तक में m पद है, अंतिम पद ज्ञात कीजिए। हल, हमारे पास समांतर श्रेणी है 2, 6, 10 जो कि अनंत तक है, यहाँ पे हमको जो कि यहाँ पर m पद की श्रेणी है और हमें अंतिम पद ज्ञात करना है। यहाँ प्रथम पद a बराबर 2 है, उसी तरह से सर्वांतर d बराबर, सर्वांतर निकालने के लिए d बराबर हम क्या करेंगे, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाएंगे तो हमें सर्वांतर जो है 4 प्राप्त होगा और पदों की संख्या हमारे पास m है, इसीलिए अंतिम पद m होगा। अतः n जो है m के बराबर है, यहाँ पे m वा पद am है और इसका मान a धन m ऋण 1 कोष्टक में गुणा d होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि n वा पद जो है उसके लिए सूत्र हमारे पास है ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन ऋण 1 कोष्टक बंद डी, यह होता है। तो इसके लिए हमने यह सूत्र एम व पद निकालने के लिए ए एम बराबर ए प्लस एन, हमारा क्योंकि एम के बराबर है, अंतिम पद एम है तो हम एन की जगह पे एम रखेंगे ऋण 1 कोष्टक में और डी लिखेंगे। तो ए एम बराबर यहाँ पे होगा, ए का मान हमने 2 निकाला है, धन एम व पद जो है अंतिम पद एम है ऋण 1 और सर्वांतर जो है हमारा 4 है, ये 4 हमने लिखा, बराबर 2 धन कोष्टक को जब अपन खोलेंगे तो 4 जो गुणा होगा पहले पद m से तो ये 4m हुआ और कोष्टक खोलने पर ऋण 1 को 4 से गुणा करने पर ऋण 4 या 4m और 2 ऋण 4 बराबर ऋण 2। इस तरह से हमने ज्ञात किया कि जो m वा पद जो है हमारे पास am बराबर 4m ऋण 2 है। तो यह इस उदाहरण का हल है। करके देखें, पहला समांतर श्रेणी 3, 5, 7 और इसी प्रकार आगे में 15 पद हैं, अंतिम पद ज्ञात कीजिए। दूसरा समांतर श्रेणी ऋण 9, ऋण 5, ऋण 1 और इसी प्रकार आगे का अंतिम पद 67 है, तो श्रेणी में कितने पद हैं। तीसरा समांतर श्रेणी 10, 15, 20 और इसी प्रकार आगे का m-वा और p-वा पद ज्ञात कीजिए। आइए ऐसे कुछ और उदाहरणों को समझें।